तुझसे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार घेरते हैं, तुझसे शैदा हजार घेरते हैं, वो सुए लाल हजार घेरते अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एमी खान। उम्मीद है आपके रोजे बहुत खूबसूरत जा रहे होंगे, बारौनक जा रहे होंगे रौनक रमजान की तरह। और मेरे साथ हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, नाचीज को कहते हैं मोहसिन अब्बास सैयद, प्रोग्राम है रौनक रमजान। और आज का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि आज मेरे खिलाफ एक साजिश रचाई गई प्रोग्राम में, और मैं इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहता हूँ। देखिए, जो होस्ट होता है उसकी कुछ इज्जत होती है, कुछ उसके कुछ डिमांड्स होती हैं उसकी, उसको कभी पराठे चाहिए हैं, उसको कभी बिरयानी खानी है। लेकिन जब आपकी अपनी ही टीम आपके खिलाफ एक साजिश घड़े और आपके खिलाफ अपने दुश्मनों को लेकर आए, बार बार लेकर आए, तो फिर उस होस्ट को क्या करना चाहिए? मुझे यकीनन यही उम्मीद थी आपसे कि आज इसी तरह होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें आपकी फिक्र है। अरे का ये कैसी फिक्र है भाई कि आप डॉक्टर हसनैन और डॉक्टर अफशान को बार बार बुलाकर आप मेरी तस्दीक करें, आप मुझे बताएं कि भाई आप जो खा रहे हैं वो गलत है। आपको पता है खाली बिरयानी खाई, आपको पता कैसे? जिस दिन मैं चीट मील करता हूँ आप लोग तशरीफ ले आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए एक बार फिर से। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हसनैन, डॉक्टर अफशान हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, और हम सब की सेहत का ख्याल रखने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि भाई रमज़ान में स्पेशली हम जितनी बदएहतियाती करते हैं, आज जितने पकौड़े समोसे मैंने खाए हैं वो सब सेटल करने के लिए। अच्छा, लेकिन अच्छी बात मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, आपकी बात बाकायदा मेरे जहन में रह गई और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, वो कैलोरीज वाली बात। ठीक है, तो मैं बड़ा मुतमइन रहा खाते हुए कि अच्छा चलो इतना खा लिया है तो ये ठीक है, इतना मुनासिब है। हाँ, मैंने वो वाली बात थोड़ी छोड़ दी कि वो पोर्शंस में बांट के उसको कर लें। वैसे मुझे लगा अच्छा कह रहे हैं तो आप यकीन कर लीजिएगा, मैं इसीलिए इंटरप्ट कर रही हूं आपको कि अकेले कह रहे भाई मैं मैंने कैलोरी के आखिरी नंबर को टच करके वापस आया। सही है, ठीक है, यहां तक यू टर्न ले लिया। हां, यहां तक कि इन्होंने मुझे मार्जिन दिया था। तो हमारे साथ भाई आज मौजूद होंगे सेहत हजार नेमत में हमारे दोनों मेहमान भी मौजूद होंगे, इसके अलावा मेहमान खाने में हमारे साथ सुहेल हैदर साहब मौजूद होंगे, सूफी सिंगर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे भाई हैं, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद होंगी जिनसे हम राह निजात में गुफ्तगू शनीद करेंगे, और उनके साथ साथ हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो इनके मुतरादिफ है। हमारी पैनलिस्ट भी हैं, हमारी बहन भी हैं, और हमारे प्रोग्राम का बहुत अहम हिस्सा भी हैं, और मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। फातिमा साहिबा, कैसी मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। आपको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। आपको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। इस शो की तो रौनक आपसे जो बात है, आप जो आप सलामत रहे, तो चार चांद लग जाए। आपकी मोहब्बत है, आपका हुस्न नजर है। आज क्या करने जा रहे हैं आप हमारे साथ? सिर्फ मुझे हल्का सा बता के यही कह रहा था, बीच में कुशन रख दो। देखिए, मैं जरा इनसे दो दो हाथ कर लूं, पहले मैं इनको जरा अपने वश में कर लूं और ये बता दूं कि ज्यादा इस बारे में बात नहीं करनी कि पराठे नहीं खाने, खाने इस बारे में लेकर आता हूँ, इस नहज तक लेकर आता हूँ इनको एक ब्रेक से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रौनक रमजान, और यहाँ हमारे साथ बहुत ही अच्छे अच्छे मेहमान हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हम किसकी जानिब जा रहे हैं मोहसिन? सेहत हजार नेमत। रमजान 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 रौनक रमजान। भाई सेहत हजार नेमत में आज हमारे साथ फिर से हमने जहमत दी हमारे दो बहुत बेहतरीन साथियों को, और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये हमेशा की तरह हमारे सेट पर मौजूद हैं। आज क्या बता रहे हैं, क्या हल है, क्या मसाइल हैं हमारे? ठीक है, तो आज हम जैसे कि आपको हम थोड़ा कम परेशान करेंगे, हम थोड़ी सी डाइट की गाइडेंस से हट के बात करेंगे। हम मेंटल हम बेसिकली मेंटल हेल्थ रिलेटेड टू ओबेसिटी
के रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें हम पराठों और बिरयानी और पास्ता। क्योंकि देखिए मेरी मेंटल हेल्थ मुतासर होती है जब आप पराठे बना करती हैं। तो आज हमने इसी को टॉपिक बना लिया। बिस्मिल्लाह। तो आज जनरली हमारा ये टॉपिक होगा कि किस तरीके से ओबेसिटी आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है और क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। तो डॉक्टर हसन, प्लीज़ आप स्टार्ट करेंगे। मोहसिन, द रीज़न वी चोज दिस टॉपिक वॉज कि ये एक ऐसा टॉपिक से बात नहीं की जाती। मेंटल हेल्थ को समझा जाता है कि पागल इंसान, टैबू, एग्जैक्टली टैबू टॉपिक है, बिल्कुल इससे बात नहीं करनी है। जबकि व्हाट वी डोंट रियलाइज, एंड स्पेशली जब मैं इस फील्ड में आया, एंड बेसिकली वी बोथ आर ISSA सर्टिफाइड, ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो कि आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है टू बी एबल टू गाइड अदर्स। तो उसके अंदर जब एक पूरा एक चैप्टर था मेंटल हेल्थ पर, कैसे वो ओबेसिटी से लिंक्ड है, दैट इज़ द टाइम वी रियलाइज कि ये बहुत कॉमन है और ये बताना हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनको लगता है कि शायद हम लाखों में एक हैं तो हम ये बात डिस्कस करेंगे तो शायद लोग हमें पागल समझेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वैसे ही आप काउंसलिंग करवाना, सेशन थेरेपीज कराना एक टैबू टॉपिक, जैसे आपने बोला, समझा जाता है कि इसे बात नहीं की जाती। एंड दैट इज़ वाई आज हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा, आई नो ये पूरा फिटनेस ओरिएंटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन मे बी हमारी आज बात करने से कोई रियलाइज कर ले कि यस, अगर मैं ऐसा कुछ फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इस पर बात कर सकते हैं। यू कैन गो, देर आर डॉक्टर्स अवेलेबल फॉर दैट टू हेल्प यू, आप अकेले नहीं हैं इसमें, एंड इस पे आज हम थोड़ी बात करेंगे। क्योंकि 100% कनेक्टेड है ये बात, मतलब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे पास तो अवेयरनेस ही नहीं है कि हम इस टॉपिक को किस तरीके से कह सकें, बता सकें लोगों को। बिल्कुल जी, प्लीज। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूँगी, मेरे पास अक्सर जो पार्टिसिपेंट्स आती हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स, उनका वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब होती है कि हमारे हस्बैंड्स को प्रॉब्लम है दैट वी आर फैट, व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें डाइट करना अलाउड नहीं है घर पे, हम जिम नहीं जा सकते, हम सैलड्स और इतने डाइट के एक्सपेंसिव खाने नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उससे उन पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? आपका एक लाइफ पार्टनर है या आपकी फैमिली आपको बार बार कह रही है कितनी मोटी हो गई हो, यू नीड टू लूज़, अब तुम्हारे बच्चों पे क्या असर होगा? तो ऐसे लोगों के लिए व्हाट वी एडवाइज इज़ कि आपको सबसे पहले तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जो भी आप कर रहे हो, फर्स्ट मेक श्योर कि आप ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके हस्बैंड ने बोला है या आपके इन लॉज ने बोला या आपके खुद के पेरेंट्स ने बोला है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपको ये करना क्यों है। यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई अब ये चीज़ मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो फिर आपको कोई कुछ भी बोल के चला जाए आप पे इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आप एक बात तो मानेंगे कि इंसान चाहे मोटा हो या पतला हो, बोलने वाला तो तब भी बोलेगा कि भाई ये इतनी पतली क्यों है, ये क्या करेगी, घर कैसे संभालेगी, ये इतनी मोटी क्यों है, ये आगे कैसे अपनी फैमिली करेगी। तो जब आप ये माइंड में बना लेते हो ना कि बोलने वाले तो बोलेंगे, देन यू डू एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ। एग्जैक्टली, यहाँ पे मैं एक बात करूंगा सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो अगर मैं यहाँ डॉक्टर अफशा यहाँ पे पहले एपिसोड से कह रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ पे कंसर्न रखें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मोटा आपको हम कह रहे हैं कि वो आप मोटे नहीं हो सकते। देखिए, जैसे मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि बॉडी शेमिंग की हम बात नहीं कर रहे, कि आपको मोटा नहीं कह रहे, बट वी आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी फिजिकल हेल्थ पे तो फ़र्क पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। देर आर रिसर्चेज अवेलेबल कि जब आप वेट लूज करते हैं, व्हेन यू सी योरसेल्फ इन मिरर के यार मैं तो एकदम से एक मैं, यू फील कॉन्फिडेंट, आप बाहर जा पाते हो, आपकी पब्लिक स्पीकिंग में एक क्वालिटी अब आपकी बढ़ जाती है, फ्रेंड्स में बात करने का आप देखेंगे कि जो भी एक ग्रुप में एक थोड़ा सा ओबीस होगा, ही इज़ द फनी गाय। वो क्यों होता है? इसके पीछे भी एक पूरी एक रिसर्च है कि वो अपने इस मोटापे को अपने फनी होने में छुपाता है, बिकॉज उसको होता है कि यार मैं अपने पे खुद ही मजाक बना लूँ, मैं खुद मजाक बन जाऊँ ताकि कोई और मेरे बात ना कर सके। तो ये टॉपिक बहुत जरूरी है इस बारे में बात करना। हमारी इंडस्ट्री भी इसमें शामिल है। मैं हम खुद को गुनहगार इसलिए कहना चाहता हूँ, वक्त कम है लेकिन मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बोलने देना चाहता हूँ, सिर्फ क्योंकि हम लोग अक्सर आपने देखा होगा कि हीरो का दोस्त मोटा होता है, ये यहाँ पे हम बॉडी शेमिंग करते हैं, इस चीज को प्रमोट करते हैं, वो बहुत खाता होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और उसको फिर एक बैकग्राउंड म्यूजिक उस पर जब आएगी तो फनी आएगी, तो उससे क्या होता है, आपने बहुत अच्छी बात बोली, वक्त कम है तो मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब एक बच्चा, एक 12 साल का जैसा बच्चा देख रहा है कि अच्छा एक मोटा बंदा जब आया है तो उस पर एक फनी म्यूजिक चल रही है, तो यानी इसका मैं मजाक बना सकता हूँ। आप जब स्कूल जाएगा तो वो बुली करेगा। माय सिस्टर जब वो बहुत छोटी थी, मैं ख्याल मेरी वालदा बताती हैं, तो जब उनको स्कूल में एडमिशन कराने गए तो उनको बच्चे मोटे मोटे कहने गए, तो उन्होंने स्कूल चेंज करा दिया कि नहीं, वी कैन नॉट लेट हर गो देयर। तो ये बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग में ये चीज़ें घुसा दी जाती हैं कि मोटा है, मजाक उड़ाना है उसका, मोटा मोटा, जबकि
मैं हम लोग एंड डॉक्टर अफशान ये कहना चाहते हैं कि ये आपको अगर करना है तो ये अपने लिए करना है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना, फेसबुक पे लाइक्स या इंस्टाग्राम पे लाइक्स के लिए नहीं करना है। वो एक अलग थिंकिंग है कि जैसे मैंने बताया कि एक बंदा जो सिक्स पैक्स है वो भी किसी को देख रहा है कि यार एट पैक्स क्यों नहीं है मेरे, और जो 150 केजीज का है वो कह रहा है मैं 140 क्यों नहीं हूँ। तो अगर आप इस लाइन में लग जाएंगे तो यू विल बी नेवर हैप्पी। यू हैव टू मेक श्योर कि पहले अपने आप को खुश करना है। उसका तरीका क्या है, बहुत बेबी स्टेप्स लेना है। डॉक्टर अफशान ने बताया कि अगर मैं हाउस वाइफ की बात करूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि आप कुछ डिफरेंट नहीं बनाओ तो नहीं करें। जैसे मोहसिन ने खुद बोला कि वो कैलोरीज का खुद काउंट करें, अपनी कैलोरीज काउंट करें। वी हैव हैड पार्टिसिपेंट्स जो लिटरली वॉशरूम लॉक करके अंदर 10 मिनट एक्सरसाइज कर लेती हैं या कर लेते हैं। तो स्टार्ट लेना है बस, दैट्स ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट। के इट्स नॉट अबाउट कि आपको जिम जाना है, एक घंटे की एक्सरसाइज करनी है, या फिर आपको कोई बहुत ही एक्सपेंसिव डाइट प्लान बनाना है। जस्ट टेक अ स्टेप, गो वन डे एट अ टाइम एंड यू विल सी रिजल्ट्स, एंड यू विल सी कि आपकी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बेटर होगी। थैंक यू सो मच गाइस, इतने मुख्तसर टाइम पे भी आप लोग इतना मुफस्सल हमें बता कर जाते हैं कि हम सेर हो जाते हैं। और वो ऐप जो आपने बताई थी वो मैं चाहूंगा, बड़ी हेल्पफुल है। बिल्कुल, मैंने कहा था कि आप गूगल करें, मेंटेनेंस कैलोरीज लिखें उसके ऊपर। अगेन आई विल बी रिपीटिंग फॉर एवरीवन वाचिंग एट होम कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज MAINTENANCE स्पेस कैलोरीज CALORIES आप ये लिख के एंटर करें, वहां पे आके पूरा डिटेल्स आ जाएंगी। इन्होंने कहा ठीक है, इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश ठीक है, चलेगा, लड़का सही है। तो आप वहां पे करें, आपके पास वहां पे सब कुछ डिटेल्स आ जाएंगे। आपको सिंपली अपना लिखना है कि भाई आज मैंने इसे बताया कि सुबह, इवन आपने अगर इफ्तारी में बिरयानी खा ली है तो आप उसमें वो डालें, वो बता देगा कि आपके पास अब बची है 300 कैलोरीज, तो वापस रात को मत खाइएगा। अच्छा, ये एक चीज जरूर मैं यहाँ पे कहूंगी, आप लोगों की बातों से मुझे इस तरह के अपने आप को रिस्पेक्ट देना जरूरी है बहुत ही। और जिस तरह आपने बात कही कि सेहत है तो सब कुछ है, आप खुद बेहतर होंगे तो कुछ देख सकेंगे, कुछ पॉजिटिव देख सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का, आपको फिर से जहमत दी जाएगी। और मैं, मेरा मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से हमेशा बात करके, क्योंकि आप लोग इतने मुस्कुराती हुई अच्छी एनर्जी लेकर आते हैं। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंचती होगी। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एक ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे जो कि है राह निजात। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक रमजान और अब हमारा सेगमेंट है राह निजात। रमजान 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 रौनक रमजान। हमने गुज़श्ता रोज भी एक मौजू था जिस पर गुफ्तगू की, और उसमें मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जो था वो पढ़ा था कि मुनाफिक की 3 निशानियां होती हैं। जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब उसके पास अमानत रखवाई जाती है तो वो उसमें खयानत करता है। आज जो मौजू गुफ्तगू है वो मुनाफिक है, और मैं बाकियों पर ऐसी कोई तोहमत लगाना नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैं अपना अगर मुहासबा करूं तो मैं तो मुनाफिक हूं। हम चाहते ना चाहते हुए ऐसी हरकतें करते हैं, हमारे इल्म में नहीं होती। हम जब जब मुनाफिकीन का जिक्र पढ़ते हैं कुरान पाक में तो हमें लगता है कि हमारी बात तो नहीं हो रही, हमारे बारे में बात तो नहीं हो रही होगी, ये तो हो सकता है कि काफिरों के बारे में ही मुनाफिकीन उनको मुखातिब किया जा रहा होगा या मेरे हमसाए को कह रहे होंगे। मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता ना, लेकिन सच ये है कि कहीं ना कहीं हम खुद मुनाफिकीन की कतार में खड़े हैं। और आजकल जिस मुआशरे से हम जूझ रहे हैं वो मुआशरा मुनाफिकीन से भरा हुआ है। डॉक्टर सरवत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में बहुत एहतराम से। बहुत शुक्रिया, आपको देखकर हमेशा अच्छा लगता है, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। मेहमान खाना भी तो अभी थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे, उसमें जो मेरे साथी हैं वो हैं सुहेल हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लाए। मेरे भाई हैं सूफी सिंगर हैं, और इनसे हम बहुत कुछ सुनेंगे भी, बहुत कुछ जानेंगे भी, इनके जर्नी के बारे में जानेंगे। मुनाफिकीन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, मैं खुद उनमें शामिल हूँ, इस बारे में कुछ बता दें मैं क्या करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मोहसिन हमें ये दुआ करते रहना चाहिए कि परवरदिगार आलम हम सबको मुनाफिकत से महफूज रखे, यानी हमारे दिलों के अंदर जो ईमान का जुज्व है परवरदिगार आलम तो इसकी हिफाजत फरमाए, और उन तमाम औसाफ को, उन तमाम तर बल्कि रसाइल को जो कि मुनाफिकत के नाम पर हमारे दिलों में जमा हो जाते हैं, खुदावंद आलम उन्हें उससे महफूज फरमाए। देखिए, याद रखिए कि ईमान एक बेशबहा दौलत है हमारे पास, और इस बेशबहा दौलत की हमें हिफाजत करते रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इंसान
कभी दानिश्ता कभी नादानिश्ता तौर पर कुछ ऐसे काम, जैसे कि भी आपने इंट्रो में भी फरमाया, कुछ ऐसे काम कर जाता है, कुछ ऐसी बातें कर जाता है कि जिसके बिना पर उसे खुद भी शक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुनाफिकत कर रहा हो, और ये कि कभी दूसरे भी उसके आमाल और अफ़ाल को जाँच लिया करते हैं। याद रखिएगा कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकून को नाजिल फरमाया, और ये जो सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में थे सरकार रिसालत में। मैं हमेशा ये अर्ज़ किया करती हूँ कि हम लोग जब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करते हैं तो कहते हैं कि मक्का बड़ा सख्त था, मदीना आसान था, लेकिन याद रखिएगा कि मक्के के मसाइब अलल एनान थे, मक्के के मसाइब जाहिर बज़ाहिर थे। कभी आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो सरकार के सर पर कूड़ा फेंका जाता था, कभी आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे कभी उनके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे। आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की मुकद्दस सरजमीन पर हरम काबा में सरबा सजूद हुए और अतबा और शेबा ने आपकी पुश्त पर लाकर ऊँट की ओझड़ी को रख दिया। तो यानी ये वो मक्के के मसाइब थे जो कि एलान थे, जो कि जाहिर बज़ाहिर थे, जिसके बिना पर आज कोई भी मौर्रिख इस्लाम की तारीख लिखने वाला जब इस्लाम की तारीख लिखता है तो कहता है कि जी मक्का बड़ा मुश्किल था, मदीना बड़ा आसान था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मक्के के मसाइब अलल एलान थे, मदीने के मसाइब दरे पर्दा थे, मदीने के मसाइब पोशीदा थे। यही वजह है कि सूरह मुनाफिकून मदीने में नाजिल हुई, मस्जिद ज़र्रार मदीने में नाजिल हुई। कितनी जंगें हमें ऐसी नज़र आती हैं जो कि मदीना मुनव्वरा में आई, और ये वही मदीना मुनव्वरा है कि जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम पहुँचाए, मसाइल बताए, वसाइल बताए, तमाम तर अहकाम शरिया बताया, कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मदीने की मुकद्दस सरजमीन को जो इज़्ज़ो शरफ़ अता कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे उनके इर्द गिर्द मौजूद थे, कुछ लोग मुसलमानों में मौजूद थे जो कि यहूदियों से जाकर, नसारा से जाकर, ला दीन ला मज़हब लोगों से जाकर कुछ गठजोड़ साजिशें ऐसी किया करते थे कि जिसके बिना पर सूरह मुनाफिकून का नुज़ूल हुआ। तो अब मैं और आप यहाँ पर बैठकर, आज बड़ा मॉडर्न दौर है, बड़ी रोशन ज़माना है, एक ऐसी सोसाइटी में मौजूद है कि जहाँ पर हमारे पास सब कुछ खुला हुआ मौजूद है, इल्म हासिल करने के रिसोर्सेज भी कम नहीं हैं, मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ गीबत बढ़ती जा रही है, तोहमत लोगों पर लगाना हम बढ़ाते जा रहे हैं, साजिशें बढ़ती जा रही हैं, किसी के ऊपर नाम रखना बढ़ता जा रहा है, मुनाफिकत, यानी मुनाफिकत, मुनाफिक उसे कहते हैं जो कि दो ज़बानें रखता हो, दो चेहरे रखता हो, उसके सामने किसी और तरीके से मिलेगा, मेरे सामने किसी और तरीके से मिलेगा, एक ही बात होगी, किसी के सामने किसी और तरीके से कहेगा, मेरे सामने किसी और तरीके से कहेगा। तो आज मैं और आप इस वक्त अगर हम चाहें तो अपने इन तमाम तर सिफात रजीला को दूर कर सकते हैं और अपने आप को वैसा बना सकते हैं जैसा कि परवरदिगार आलम चाहता है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। एक ब्रेक से वापस आएंगे रौनक रमजान में और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक रमजान। जी मोहसिन, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है मेहमान खाना। रमजान 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 रौनक रमजान। और मेहमान खाना में जैसे मैंने पहले आपके गोश गुजार किया कि हमारे साथ मौजूद हैं मेरे भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे बुरे वक्तों के साथी, पार्टनर इन क्राइम भी कह लेते हैं, कुछ इस जबान में भी चले जाते हैं, सुहेल हैदर साहब। मिजाज बखैर हैं आपके बारे में? आप बताएं मोहसिन, बेस कोट तो आपने ऐसी पहनी है ये बस जैसे ये जाते हुए मेरी गाड़ी में जाएगी। निका 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 क्या एहसास हो रहा है कि नहीं, देखिए ये जाते हुए आप मुझे देखकर जाएंगे। जी जी जी, ये बड़ी जचेगी मुझ पे। तारीफ मैंने की थी किसकी, तो आप ये बेस कोट पहनेंगे अगले शो में? आप भाई ये इनसे वादा लीजिए, फातिमा साहिबा वादा लीजिए कि ये पहनेंगी तो मैं इनको दे लेता हूँ। भाई क्यों नहीं पहनी जा सकती, मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल पहनी जा सकती है। एक चीज़ आप नोट कर रही हैं कि रोज़ाना मौसम कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। उस दिन पराठे ले गए और कल सैनिटाइजर की बात हो रही थी, डिसइंफेक्टेंट हमने आज भी नया ला के रखा है, ये भी गायब था कल।
देखिए मौसम रोज कुछ ना कुछ जेब में डाल के लेके जा रही होती। तहफ्फुज़ चाहता हूँ अपने इर्द गिर्द के लोगों का। लेकिन अब तो मेहमानों से मांगना शुरू कर दिया, ये सही गलत बात है। मेरे भाई है ना, वो तो उनके भाई है, मेरे भाई है, उनसे तो मैं ले सकता हूँ। हमने तो बहुत ऐसी ज्यादा चीजें शेयर की है, मैं नहीं बता सकता। असल सवाल ये था हमारा, ये आप हमें ब्रेक में बताइए। फातिमा जी जी, आप मुझे ये बताइए, आपका जिसको पंजाबी में कहते हैं वाह पड़ता है उनसे, मुनाफिकीन से? मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी, मुनाफिकीन की जो बात है, हम जिस दौर में रह रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ फैशन बन गई है। ठीक, हम मुनाफिकीन में शामिल हैं, हम हर वो चीज़ कर रहे हैं जो मुनाफिकीन ने की, लेकिन हमें नहीं पता। हम कहते हैं हमसे ज़्यादा दूध का धुला कोई नहीं है जनाब, यूँ उंगली उठाते हैं हम, ये नहीं देखते कि तीन उंगलियाँ हमारी तरफ आ रही हैं। आपकी तीन है? हाँ ना, यूँ जब हम उठाएंगे तो दो आपकी तरफ, दो आपकी तरफ, तीन मेरी तरफ। ठीक है, तो फिर इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हम मजाक में, हंसी में किसी की दिल आजारी कर जाते हैं। कोई हमसे कुछ वाजे तौर पे कोई मशवरा मांग रहा है और हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, तुम जाओ उसको जाके सुना कर आ जाओ। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मजाक करने और मजाक उड़ाने का फर्क भूल चुके हो गया है सुहेल हैदर साहब। मुनाफिकीन, पहले तो हम इस चीज को तस्लीम कर लें कि हम खुद हैं। हाँ, खुद हैं, बिल्कुल बिल्कुल है। जो हम दूसरे में बुराइयां देखना चाहते हैं, सबसे पहले अगर अपने अंदर ढूंढना शुरू कर दें हम, तो शायद ये मसला ही हल हो जाए। हर इंसान ऐसा करना शुरू कर देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे आप और मैं सोच रहे हैं कि जी हम अपने आप को ब्लेम गेम ना करें, अपने आप को देखें। और जहाँ तक मुनाफिकीन की बात है, तो वो हर फील्ड में मौजूद है। ये नहीं है कि जी सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसी मुनाफिक को देखूं, नहीं, मैं उसको भी देखूंगा जिसने मेरे पैसे खाए पहली वीडियो बनाने के। ठीक है, जब मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था, जब मेरी माँ मुझे स्टूडियोज में लेके जाती थी, मैं अगले बंदे को पैसे दे रहा हूँ, मेरे मुँह पे कुछ है वो और मेरे पीठ पे कुछ है, वो भी मुनाफिकीन में ही शुमार होता है। तो एक स्ट्रगल पीरियड में मुझे इतने मुनाफिकीन मिले, तो शायद ऐसा होता है कि उनके साथ रह रहे के टाइम गुजार गुजार के उनका अक्स आप में आ जाता है, तो थोड़े बहुत आप भी ऐसे हो जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वही बात जैसे हम भी अभी जिक्र कर रहे थे कि हमें अब ये गुनाह लगता ही नहीं है, ना सगीरा ना कबीरा, हमें ये गुनाह ही नहीं लगता। और इससे बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बातें हैं कि जो हमें गुनाह लगता ही नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमें अंदाजा ही नहीं होता। झूठ बोलना, हर बुराई की जड़ जो है, कुंजी चाबी जो है, वो झूठ है। मैं आपको एक क्रेडिट देना चाहूंगा, मैं आपको और हमारे जितने भी उलमा आते हैं और इस प्रोग्राम की टीम को एक क्रेडिट आज देना चाहता हूं। किस तरह चीजें आपको तब्दील करती हैं, बहुत मुख्तसर सी बात करती कि आज मैं गाड़ी में बैठा था, तो मैंने मुझे एक डिजाइनर है हमारे, उन्होंने पूछा कि आप अपनी लोकेशन भेज दें तो मैं आपके पास लड़का भेजता हूं, तो आप वो आपको ड्रेस पहुंचा देगा। अब मेरा उस वक्त, मैं ना सड़क पर था और मेरा उस वक्त दिल नहीं कर रहा था कि इस वक्त मैं किसी से मिलूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ काम निपटा रहा था। तो मैंने वॉइस नोट में बोलना शुरू किया, मैंने कहा कि मैं ना अभी शूट पर हूं, मैं बाहर हूं, तो मैं अभी थोड़ा मसरूफ हूं। और देन आई रियलाइज्ड सडनली, ये आज ही के किस्से की बात कर रहा हूं मैं, आज दोपहर का किस्सा है, मेरा रोजा है। हाँ, एक तो मेरा रोजा है, दूसरा मैं प्रोग्राम में ये सारी बातें सुनकर आया हूँ, समझ कर आया हूँ, सीख कर आया हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया और फिर मैंने उनको सच बताया कि मैं अभी सड़क पर मौजूद हूँ, कुछ काम निपटा रहा हूँ घर के, जहाँ पर शूट है वहाँ पे। मोहसिन, बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत सारे झूठ हम बिला सबब बोलते हैं, बेवजह बोलते हैं, वहाँ पे सच से काम चल सकता है, लेकिन हम आदतन झूठ बोलते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मिस्टर हैदर, आपने एक ऐसा शिफ्ट लिया जो आज से पहले हमें इस इंडस्ट्री में बहुत देखने को मिलता है, क्या चीज थी जो आपको वहां तक लेकर गई? अच्छा, इसके पीछे कोई कतई ये चीज़ नहीं थी कि बहुत ही कोई रिलीजियस कोई पॉइंट हो, या मैं पहले रिलीजियस नहीं था, मैं अब रिलीजियस हो गया हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस की बात है। मैं शुरू से ये बात बताता हूँ कि जो मुझे पीस देता है, जो मुझे चीज़ सुकून देती है ज़िंदगी में, वो करना चाहता हूँ, चाहे वो मैं किसी के लिए करूँ, उसको वो पसंद है या किसी को नहीं पसंद है। हज पे गया था मैं 2017 में, और जब हज से वापस आया था तो लिटरली ऐसा होता था कि मैं अपनी गाड़ी में जब गाना सुनता था तो अचानक से वो बंद करता था, नहीं यार अभी तो मैं हज से आ रहा हूँ, और सारे मेरी वो फिर वो एक महीने के अंदर अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो गया और मुझे फील भी नहीं हुआ और सारी चीज़ें वैसे स्टार्ट हो गई। मगर शायद बैक एंड पे या बैक अप द माइंड एक चीज़ रेंडर होना शुरू हो गई थी, उसका स्टार्टअप था। हाँ, जैसे वीडियो हम रेंडर करते हैं ना, एक कंप्लीट होना शुरू होती है, वो रेंडर होना शुरू हो गई थी, मैंने रियलाइज नहीं किया। अब फिर कुछ ऐसी बातें हैं, वो कुछ मेरे ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं कि शायद मुझे बताने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ड्रामेटिक या कोई सिनेमैटिक बात है, मगर दरहकीकत यह है कि मुझे शायद कोई ऐसा ख्वाब आया है या मैंने उसमें कुछ देखा है, या कुछ हकीकत बात है। और लोग इसको समझते हैं जी बड़ी फेरी टेल या बड़ी वो ख्याली या ख्वाबी बातें, ऐसा नहीं होता। ऐसा मेरे साथ हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई
फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने इनर पीस के लिए और अपनी पर्सनल चॉइस के लिए, ये मैंने 15 साल 18 साल दूसरी तरह से ज़िंदगी गुजारी है, और अभी कतई ये मतलब नहीं है कि मैं वो नहीं करता, मतलब मैं ऐसा हाँ। देखें, ये गलतफहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है। मेरा एक बड़ा अजीब सा फ़लसफ़ा है सरवर साहब, मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि अगर 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है तो उसे जाने देना चाहिए। बिल्कुल, उसे क्यों रोका जाए? हम उसे क्यों रोका जाए? हो सकता है उसको हिदायत ही अब मिली हो। बेशक, नहीं फौरन ताना देंगे हम, फौरन ताना देंगे, हम ताना देते हैं कि 100 अच्छा काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौट कर आते हैं रौनक रमजान में हमारे साथ। प्रोग्राम है रौनक रमजान और सेगमेंट है हमारा नजराना अकीदत। नजराने अकीदत में आज हमारे साथ हैं अनम अबरार साहिबा, जो कि नाते रसूल मकबूल पेश करेंगे। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी दोगे के तुम्हार दिल से हिलो लगी है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बज़ नदामत के पास क्या है, अमल की सास क्या है, बज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत के मेरा तो एक आसरा यही, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका। बहुत खूब, सुभान, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, क्या ही कुछ अनम ने हमें सुना दिया और बस रूह कांप जाती है। आपा, मुझे बात तो बहुत कुछ हो रही है और बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। हर प्रोग्राम में हम कहते हैं कि काफ़ी कुछ जानना है, समझना है, पूछना है। अलमिया ये है कि हम ही मुनाफिक हैं,
हम ही परेशान हैं और हम ही पूछ रहे हैं, पता भी नहीं चलता कब क्या कुछ कर गए, किसका दिल दुखा गए, बंद जबान से किसकी बद्दुआ ले गए, और परेशान भी हैं और ढूंढ रहे हैं कि नहीं मुनाफिक का माशरा है, क्या है ये सब और क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले जो मोहसिन की बात थी कि मोहसिन ने बड़ी खूबसूरत तरीके से इस सारे मामले को सम अप किया था कि अगर कोई चाह रहा होता है कि वो इस्लाह के रास्ते पर आए तो सबसे पहले हमारे जो करीबी लोग होते हैं वो ताना जनी करते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने को चली। याद रखिए कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, इस्लाह के लिए कोई भी वक्त होता है। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई अपने मरने से एक साल कबल तौबा कर ले तो उसकी तौबा भी कबूल है, कोई अपने मरने से एक महीना पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा भी कबूल है, फिर फरमाया एक महीना बड़ी चीज़ है, कोई एक हफ़्ता पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा भी कबूल है, फिर फरमाया एक हफ़्ता भी बड़ी चीज़ है, अगर कोई एक दिन पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा भी कबूल है, यहाँ तक कि जब मौत सामने आ जाए तो भी वो तौबा कर ले तो उसकी तौबा भी कबूल है। अब जब किसी ने पूछा, कहा कि फरजंदे रसूल से मतलब क्या है, कहा कि इसका मतलब यह है कि सुबह शाम अपने आप के लिए अस्तगफार इंसान करता रहे, अपने गुनाहों से तौबा करता रहे, इसलिए कि न जाने कौन सा ऐसा लम्हा है, कौन सा ऐसा वक्त आए, कौन सी ऐसी बात आए। और मुझे भी सुहेल ने कहा था कि कुछ नोक होता रहता है दिल के अंदर, तो ये जो ओ, ओ, आपके दिल के दरवाजे पे एक दस्तक पड़ती है, ये दर हकीकत आपका जिंदा ज़मीर होता है। सौदा हो जब भी आपके जिंदा ज़मीर का, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। तो दर हकीकत ये जो आपका जिंदा ज़मीर होता है, ये आपको उस गुनाह के रास्ते पर आगे बढ़ने नहीं देता। आप जाते हैं, बढ़ते हैं, दोबारा पलट आते हैं, दोबारा पलट आते हैं। और ये एक बात बिल्कुल 100% सही है कि अगर आप उस रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो परवरदिगार आलम आपको अपनी जानिब 70 कदम आगे बढ़ाता है। तो ये हो ही नहीं सकता कि वो अपने आदमी को दुश्मन के कैंप पे छोड़ दे। क्या बात है, अगर रहमान का बंदा हो तो वो शैतान की तरफ हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। क्या बात, मैंने एक मिसरा मुझे जहन में आया, मैंने भी कुछ अर्सा पहले लिखा था। अब सूफ़ी होने का दावा तो हम नहीं करते, ना ही इस्लामी स्कॉलर होने का, एक गुनहगार सा आदमी, तो मेरे जिस दस्तक की हम बात कर रहे हैं, एक मिसरा, तेरी आवाज़ आने लग गई है। मेरा एक शेर था, एक गज़ल थी, उसमें मैंने यहाँ पर लिखा था कि तेरी आवाज़ आने लग गई है, तेरी आवाज़ आने लग गई है, जवानी हाँपती है, थक गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं रौनक रमज़ान में। प्रोग्राम रौनक रमजान में अब वक्त हुआ है दामने मुस्तफा का। रमजान 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 रौनक रमजान। और दामने मुस्तफा में एक बार फिर से हम जहमत देंगे अनम अबरार साहिबा को, जो नाते रसूल मकबूल सुनाएंगे। खुश वो दिन हरम पाक की फजा में पाक हाथी
जमीन पे थी जहन कह कशां में था जुबान खामोश थी दिल महविल ते जां में था खुशा वो दिन हर में पा। बेहतरीन, बहुत खूब जीती रही, जीती रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हम जो तस्करा कर रहे थे कि लोग हमें जीने नहीं देते, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि इंसान हर लम्हा तगैयुर से गुजर रहा होता है। अगर मैं सुबह एक बुरा आदमी था तो हो सकता है कि दोपहर में मेरे साथ कोई ऐसा सानहा वाकया हादसा कुछ ऐसा हुआ हो, कोई तजुर्बा मेरी जिंदगी से ऐसा गुजरा हो जिसने मुझे रात को बदल दिया हो, मैं शाम तक वो आदमी नहीं रहूंगा। लेकिन लोग आपको सुधरने नहीं देते। लोग अगर आपने किसी चीज पर माजरत कर ली है तो लोग आपको कहेंगे कि अरे सौ चूहे खा के भज को जाओगे तुम, शर्म आती है तुम्हें। तो हो सकता है कि उसका और खुदा का मामला कुछ और चल रहा हो। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो आपको गुनाहों के ऊपर नदामत है ना, वो होना भी नेमत खुदावंदी है। अगर आप कोई चीज़ गलत करके आपके अंदर आपका ज़मीर मलामत कर रहा है कि यार ऐसा मैंने क्यों कर दिया या मैं काश ऐसा ना करता, वो अल्लाह का खास करम है आप पे। ऐसा होना बंद हो जाए तो समझ लें मोहरे लग चुकी है। क्या बात है, मोहरे लग चुकी है। और मैं अगर पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने लोगों की बात सुनना और करना छोड़ दिया। जब से मेरी वालदा दुनिया से गई है मैं शायद एक डिफरेंट इंसान बन गया हूँ। मेरे लिए शायद खड़ी भी हो जाती थी मेरी वालदा, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त अहबाब में, मुझे कोई किसी ने कुछ कहा या पीछे भी, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड यह नहीं यार मेरी अम्मी है, अगर अम्मी से मैं डांट पढ़ाऊँगा इसको, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए बच्चा, वो माँ के लिए तो वही है ना कि यार अम्मी को बताऊँगा कि ये मेरे इन वाले इसने मुझे ऐसा कह दिया। मैं कथा कलामी की माफ़ी, मैं बचपना था मेरा या जो भी, मैं कोई दुआ मांगता था तो मेरी अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो मैं अल्लाह को भी तड़ी लगा देता था अपनी अम्मी की। मैं फिर अम्मी को बताऊं वो दुआ करेंगी तो फिर तो कबूल करेंगे ना, मेरी नहीं कर रहे। तो माँ पे तो ये मान होते हैं। माँ दुनिया में वो चीज है कि जिसको खुदा ने अपनी मोहब्बत से इबादत किया। हम कहते हैं 70 माओ की बात ही नहीं है, वो 700 गुना 7,000 माओ से ज्यादा मेहरबान है। माओ से ही आई है। यहाँ पे मुझे किस्सा याद आ रहा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम फरमाते थे, तो जब उनकी वालदा पर्दा फरमा गई दुनिया से तो अल्लाह ने हज़रत मूसा से कहा संभल के चलो, अब मूसा पीछे कोई नहीं है, दुआ करने वाले हाथ नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मुझे ये बताएं कि हमारी इंडस्ट्री, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, कोई भी हो, शोबिज़ इंडस्ट्री ऐसी है जो शोबिज़ दिखावा, झूठ ज्यादा बात करना, बड़ाई झाड़ना, मतलब झूठ का दूसरा नाम मुनाफ़त है। कभी दिल नहीं घबरा जाता क्यों करूं, ऐसे ही रैंडम निकल जाता हूं, जैसा हूं वैसे ही रहूं, घबराहट हो जाती है ना कभी रात को सोते सोते एकदम, यार क्यों खामखे के ऐसे प्रॉमिसेस कर देते हैं लोग, पैसे नहीं देते अपने। शुरू में ऐसा होता था क्योंकि ख्वाहिशात हावी थी मुझ पर, मैं बहुत कुछ हासिल करना चाहता था कि नहीं यार ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, मगर जब से ख्वाहिशात को मैंने मारा है ना अपने दिल के अंदर, तो एक ताकत अल्लाह ताला ने तय कर दी है कि जिस चीज़ का इनकार नहीं होता था ना कि नहीं यार ऐसा इसको बोल दिया तो ये कल मुझे काम नहीं देगा, ऐसे झूठ बोल के काम ले लेता हूँ, वो सब कुछ अब ख़त्म हो गया। अब मैं शायद एक बहादुर इंसान या बकौल मेरे, अभी भी बहुत बुराइयाँ होंगी, अब मैं शायद एक बहादुर इंसान बन गया हूँ, तो ख्वाहिशात मेरी हैं तो ऐसा जंग थी अपने आप से, जंग तो हमेशा जारी, अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। अच्छी बात मुझे सुहेल हैदर साहब की ये लगी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पारसा इंसान हो गया, सिर्फ ये कहा कि मैं बहादुर इंसान हूँ। जी तो पारसाई का दावा हम नहीं कर सकते, बिल्कुल हम बहादुर होने का दावा चले कर सकते हैं। लौट कर आएंगे तमाम रमजान में, मेरे चेहरे की खुशी से आपको पता लग गया होगा कि अगला सेगमेंट कौन सा है, तो मुझे तो अब बताने की भी जरूरत नहीं थी, तमाम रमजान होगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। पढ़ रहे हैं आपके और मोहसिन के सबसे पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एहतमाम रमजान। हाँ जी मोहसिन, प्याज कट गई? जी बाजी, ये आपकी प्याज। बहुत शुक्रिया, मैं आपको ना सिखा रही हूँ जी, मेहनत मुझसे करवाती हैं, क्रेडिट आप ले जाती हैं।
अजीब बात है। तो बाजी हूँ ना भाई, आप छोटे भाई हैं, तो आपका काम है, आप तो करेंगे। चने उबाल लिए थे आपने? अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि आज जितनी रौनक आपने लगा दी है यहाँ पर, आज कुछ अलग ही बनेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चूल्हे जलेंगे यानी आज? आज सारे चूल्हे जलेंगे। सैलेड खिलाकर मुझे नहीं टरखाएंगे? नहीं नहीं, सारे चूल्हे जलेंगे आज, बहुत कुछ बनने वाला है। हम सबसे पहले बनाएंगे चनों का सालन, जिसमें हमने व्हाइट चने उबाले हैं। उसके बाद हम बनाएंगे खट्टे आलू। अरे क्या बात। उसके बाद बनेंगी पूरियां। वाह 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 वाह। फिर भी यहाँ खत्म नहीं हो रहा, ड्रिंक के बगैर तो कुछ भी मुकम्मल नहीं है। आपको पता है, जब बात करनी हो दिल की तो फिर आ जाता है दिमाग में किसका ख्याल? सेवन अप। ठीक है जी, तो हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, तो स्ट्रॉबेरी स्लैश सेवन अप के साथ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही जबरदस्त सा ड्रिंक बनेगा। तो हम शुरुआत करें, जल्दी जल्दी थोड़ी जल्दी करें शुरुआत। शुरुआत कुछ लोग बड़े कमजोर दिल के होते हैं। आप नहीं, सुहेल हैदर साहब की बात कर। आपका बीपी तो नहीं ना लो हो रहा? खाने की बातें सुन के हमारे पुराने मसाइल हैं, हमने इलाज करवाया इसका लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, आज मुझे लग रहा है मोहसिन आपकी दुआ रंग ले आई है, आज तीनों के तीनों चूल्हे, तीनों चूल्हे जलेंगे। क्या बात है, देखें। लाइए लाइए, इनको जलाया जाए। यस, मुझे दीजिए। एक्सपर्ट किचन में काम कर करके आप भी एक्सपर्ट हो गए। क्या जलाया है मैंने? शुरुआत तीनों जलाओ बाकी। जी जी, अच्छा जला दें आप, सिर्फ चूल्हे जलाने, बड़ा अच्छा जलाता हूं मैं। जी मैं यही कह रही हूँ, चूल्हे जलाने। वो हैं कुछ लोग जिनका दिल जलता है मुझे देख के, वो मेरा उसमें कोई कसूर है नहीं। कलाम के बीच में जो और फंसाया ना, तकिया और कलाम नहीं को याद रहेगी। अच्छा ये बताएं, कभी हाथ वाथ जलाए कुकिंग करते हुए? ये बना लेते हैं कुछ? नहीं, मैं कुछ नहीं बना सकता, ये सबसे बड़ा सच है। मैं सिर्फ एक अंडा उबाल सकता हूँ, ऑमलेट बना सकता हूँ, बना कुछ नहीं सकता। मैं खा जो है मैं लोगों का खाना भी खा जाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। तो मतलब आज मोहसिन आप खूब मेहमान नवाजी कर रहे हैं इनकी? जरूरी है, भाई आए हैं तो आज उनकी मेहमान नवाजी में खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज आप खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हूँ। फूडी हैं, बहुत बड़े फूडी हैं। और जो खट्टे आलू आपने जिक्र किया है ना, इससे मुझे अपने खट्टे दोस्त का नाम याद आ गया। बहुत हमने बैक स्टेज के ऊपर से जिक्र किया है। खट्टे आलू होते हैं? नहीं, हमारे खट्टा दोस्त। जी जी, खट्टी डकारे होती है। खट्टा दोस्त क्या है? पहुंच गए, खुद पहुंच गए, पहुंच गए हैं। आप खुद पहुंच गए खट्टी डकारों तक। अच्छा, अब समझ आए। सुहेल हैदर साहब, हाँ जी, आप तशरीफ लाएं और हम आपसे कुछ ना सुने। जी जी, बड़ी ज्यादती हो जाए। मैं भी बहुत बेकरार हूँ सुनाने में। मैं आपसे खुद बहुत बेकरार हूँ और मेरी समातें तरस रही हैं कि मैं आपसे कुछ सुन लूँ। जल्दी से रेसिपी बता दें आप, ताकि हम फिर सुहेल साहब को जहमत दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ अपना काम शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है थोड़ा सा, उसमें हम प्याज डाल रहे हैं। ठीक है, जैसी प्याज थोड़ी सी पिंक हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा जीरा जाएगा, कलौंजी जाएगी। इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी। और इस पेस्ट को जब हम अच्छा सा भूनेंगे, थोड़े से टमाटर डालेंगे और उसके बाद हम चने डाल के इसको दम पे रख देंगे। चने ऑलरेडी उबले हुए, जितनी देर में ये मसाला, जैसे जो कच्चापन होता है, वो निकल जाएगा, तो ये तैयार है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम खट्टे आलू की तरफ आएंगे, तो जब तक हम सुन सकते हैं? बिस्मिल्लाह। अब सुर निकलेंगे। जी जी, देखेंगे कि खाने का जो सुर है ये कानों में पड़ता है तो अच्छे अच्छों के जो है ना वो सुर दुरुस्त हो जाता है। आवाज आई है ना सोते होने की, तो ये बिस्मिल्लाह। जाग गया। मैं आपको कलाम सुनाता हूँ। रिसेंटली मैंने साबरी ब्रदर्स का एक उनको रिव्यू दिया, उनका कलाम है जो कि मैंने जिसका वीडियो भी बनाया। ये इसकी स्पेशल बात ये है कि ये मेरी वालदा का बहुत फेवरेट है। अरे क्या क्या बात। और मैं जब स्कूल जाया करता था तो वालदा मुझे साथ ड्रॉप करने जाती थी, तो गाड़ी में ये चल रहा होता था। और वो जब से जो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी और वो सारी चीज़ें, तो बहुत अरसे से प्लान था मेरा। तो ये माजी के लिए ये भी कलाम माजी के लिए। बिस्मिल्लाह। اللهم صل على محمد وآل محمد نبی کے عشق نے جس کو ہنسی بنایا ہے وہی فرید وہی خواجہ بن کے آیا ہے جہاں جہاں بھی قدم میرا ڈگمگایا ہے سہارا دینے کرم آپ
ही काया है। सुभान अल्लाह, बन गई बात उनका करम हो गया, बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, हरी हो गई, बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, मेरे लब पर मदीने का नाम आ गया, मेरे लब पर मदीने का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई, बन गई बात उनका करम हो गया। हाँ, मुझ पे कितना नियाजी करम हो गया, लोग कहने लगे पंजतन का गदा, उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी जिए 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 नौकरी हो गई, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई, बन गई बात उनका करम हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे रौनक रमजान में। एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं रौनकों से भरे हुए रमजान में। कहां तक पहुंच गए हम? हम बस पहुंच रहे हैं। अब मैं तो महव हो गई थी नात में, बेशक खूबसूरत नात, इस कदर हसीन आवाज, माशाल्लाह, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं तो भाई किसके हैं? सारे क्रेडिट आप ले जाए, सब मेरा क्रेडिट जो आप ले जाती हैं, भूनू मैं, पकाऊं मैं, काटू मैं, सर्व तक मैं करता हूँ। खाते भी तो आप ही हैं सबसे ज्यादा, ये तो नहीं बताइए। लेके जाते हैं शहरी के लिए ये अपने जो मैं बाकी ये बात कहना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम में इतनी खूबसूरत मनकबत नात हम ये इसका भी माहौल का भी असर इन खानों पे इतने इतने अच्छे इतने लजीज होते हैं, क्योंकि ये वाकई रौनक रमजान है। नेमत खुदावंदी है जी, तो उसको हमने क्यों, जब ये हम नात और मनकबत पढ़ी जा रही है तो ये दरो दीवार सुन रहे हैं, हर चीज तक आवाज जा रही है, तो ये जो खाना बन रहा है ये भी एक इबादत बन गया। बिल्कुल, इसलिए कि अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो रहा है, फिर दुरूद शरीफ के साथ हो रहा है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर इस काम को शुरू किया, तो ये भी इबादत है। बिल्कुल, और सहरी और अफ्तारी का तो इंतजाम वैसे ही इबादत है। बिल्कुल, और जहाँ जिक्र इतना खूबसूरत हो तो यकीनन बनने वाली चीज़ तो वाकई जायकेदार होगी। सही बात है, ये बात दुरुस्त है कि खाने पीने में जो है ना आपके पॉजिटिव वाइब्स जा रहे हो। ऐसे अच्छी बात, एक और अच्छी बात चले आपको बता दूँ, जैसे सरवर साहिबा ने फरमाया अभी, एक और सवाब की बात इसमें ऐड ऑन कर दूँ मैं, कि एक तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर मनकबत है, फिर नात है, और फिर आप किसी भूखे को खाना खिलाएं, वो उसका सवाब अलग है। तो हम भूल ही गए थे, किसी परदेसी को खाना खिला दें आप, अल्लाह ये पानी सूखने का इंतजार करते रहेंगे हम, नहीं, नहीं, उस दौरान क्या होगा? हम खट्टे आलू बनाने की तरफ आ रहे हैं, मेरा मुंह जो है ना वो इस वक्त लबरेज हो जाता है खट्टा जब आप कहते हैं। दोस्त को याद करें जी, बिस्मिल्लाह, हमने ऑयल लिया है, अच्छा आलू जो है हमने ब्लांच किए, यानी हाफ बॉइल किए, गरम पानी में हमने इनको डाल के निकाल लिया था ताकि हम टाइम सेव कर लें। हम थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स बताती चलिए साथ साथ, क्या क्या हम थोड़ा सा डाल रहे हैं इसके अंदर, बहुत मामूली सा जाएगा, ठीक है, और इसमें मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं, इसके अंदर हम नमक डालेंगे, हम इसमें आलू डालेंगे, आलू गए इसमें गए क्योंकि वो इसी ऑयल में ना जैसे पक से जाएंगे, ठीक है, आप इसको मिक्स करते हैं, छेड़ता रहूं इसको मैं, नमक हमने डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जाएगा इमली का पानी, क्योंकि ये खट्टे आलू हैं, ये एक टीस्पून है, क्या मैं इसको ये कह दूं, एक टीस्पून जी, ठीक है, सही है भाई, ये तो आपने बाकायदा वो वाला माहौल बना दिया, वो शेफ्स जो बनाते हैं ना, मुझे वो फील आई आज, यूं यूं करते हुए आग लगा देते हैं, जो थोड़ा सा हम इसमें जीरा डाल रहे हैं, सिजलिंग फूड है ये, सिजलिंग फूड, यस, मेथी दाना जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ये कितना डाला आपने? बिल्कुल पिंच, पिंच डाली है, पिंच और दो आलू लिए, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, मिर्ची आप हसबे जायका ले सकते हैं, और सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, चाट मसाला, और वो कितना है?
जिस तरीके से मसाले डाल रही हैं तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे इस वक्त हम टीवी चैनल्स पे देखते हैं ना कि टी स्पून टेबल स्पून देखते हैं, लेकिन हमारी माएँ कभी भी नाप के नहीं डालती थी, वो हमेशा यूँ हाथ से डालती थी और हमेशा परफेक्ट खाना, उनके अंदाजे ही इतने परफेक्ट थे ना, हाँ, और उनके हाथ में जो बरकतें थी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे तो अंदाजा रहता है वो टी स्पून। और फातिमा ने खाने में वाइब जाने का जिक्र किया तो माँ के खाने में बात ये होती थी कि वो इतनी मोहब्बत से अपने बच्चों के लिए खाना बनाती थी, तैयार करती थी, सादा भी होता था तो ऐसे ही होगा। आपको पता सर्वा साहिबा, आप मुझे मेरी नानी अम्मा की याद दिलाती हैं। अच्छा, मैं ये सच बात कह रहा हूँ, मेरे घर वाले भी अगर ये देख रहे होंगे तो वो भी यकीनन इस बात की ताईद करेंगे कि आप बाकायदा मुझे मेरी नानी अम्मा, मैंने उनको सिर्फ तस्वीर में देखा है। अच्छा। और अब आपकी सूरत में मैं माशाल्लाह उनको याद कर लेता हूँ। क्या बात माशाल्लाह। तो देखिए ना, हम एक फैमिली है, हम जब यहाँ आते हैं अपने अपने घरों से तो हमें वो फील नहीं होता कि हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं या वो, हमें हर चेहरे में अपना भाई, जी जी, माँ, बहन, मतलब हम एक फैमिली की तरह। बेशक बेशक। तो मिस्टर हैदर, हाँ जी, वो हाईवे के सफर याद हैं आपको? कुछ बहुत अच्छी तरह से याद हैं भाई, बड़े अब हमने हाईवे पे सफर किए हैं। और मैं कराची में जब नया आया, कुछ साल हुए थे मुझे, तो सुहेल हैदर साहब और मेरे कुछ और दोस्त अहबाब, हमारा एक पूरा ग्रो था, जो क्रिकेट खेला करता था, और फिर ये इन लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि हाईवे पर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ बड़ा लजीज खाना मिलता है। अच्छा, नॉट ओनली हाईवे, हैदराबाद और उससे आगे तक भी गए हैं, क्योंकि इतने खाने की तलाश में, खाने की, यानी इतने शौकीन है खाने के, जी जी जी, बाकायदा फूडी थे हम। बाहर तो बेचारे वो लोग तरसते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस यहीं की चाट यहीं का समोसा और वो भी इतना अच्छा। ये बात नहीं है कि उधर नहीं मिलती चीजें, मिलती है। जितने यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने वहाँ जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। हाँ। मगर जो एक आपकी धरती का एक खास इसके अंदर जायका होती है ना, जायका शामिल होता है ना। अब मैंने भी दो तीन जगह बाहर जाके, सॉरी आपके मैंने ट्राई किया कि चले यार आज यहाँ से कढ़ाई खाते हैं, क्योंकि ये कराची में भी है तो इनकी कढ़ाई यहाँ पे कैसी है, मगर मुझे वो मज़ा नहीं आया जो यहाँ कराची में खाने का मज़ा आया था। मैं माहौल की बात कर रही हूँ, मैं रजब में भी रोज़े रख रही थी, शाबान में भी रोज़े रख रही थी, लेकिन जब रमज़ान की पहली तारीख आई तो जैसे लगा कि एक माहौल बन गया है, आपके घर के अंदर भी सब रोज़े रख रहे हैं, आपका वर्क प्लेस जो है वहाँ पर भी सब रोज़ेदार हैं, तो आपके लिए इबादत भी आसान हो गई। जी जी, तो वरना उससे पहले आप अलग चल रहे थे और आपका माहौल एक अलग चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको एक ही वक्त अतार करना है, एक दूसरे को होता है, हम यहाँ पे बाहर सड़कों पर होते हैं तो ये होता है कि पहली फुर्सत में सबके एक रोजे खुलवाओ, पानी की बोतलें, ये चीजें वाकई नेमत हैं, नेमत रहमत हैं, और ये सिर्फ हमें रमजान में ही देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ ये जो अजर और सवाब का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है, इसने आप देखें कि लोगों को किस कदर दस्तरखान लगते हैं इफ्तार के, किस कदर लोग सड़कों पर पानी तकसीम कर रहे होते हैं, किस कदर लोग खजूरें तकसीम कर रहे होते हैं, कि बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि सफ़र में हैं उनको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। और आपा, आपकी ही बात को मैं बिल्कुल, यही दर हकीकत यही है कि बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं, कोई भी किसी भी एरिया का दस्तरखान हो, किसी भी जगह का हो, कोई भी बैठा हो, उसी ग्लास में ले रहे होते हैं, वही शरबत पी रहे होते हैं। बिल्कुल, मतलब ये एक कितनी बड़ी बात है कि मतलब आपको रोजा खुलना है तो सब एक हो गए। देखिए, एक हम आहंगी, भाईचारा, मोहब्बत, मुरव्वत, अखुवत जो है उसका अमली मजहर आपको माह रमजान मुबारक। लेकिन इस वक्त पे इन चीजों को, तमाम चीजों को अप्रिशिएट करते करते हम ये जरूर याद रखें कि कोरोना का वक्त चल रहा है हमारे हमसाया मुल्क में, जो एक मुश्किल वक्त आन पड़ा है, हमें उससे भी बचना है, अपनों को, अपने बड़ों को, अपने बच्चों को महफूज रखना, जिनके इम्यून सिस्टम उस तरह से मजबूत नहीं है वो कोरोना वायरस का ज्यादा शिकार हो सकते हैं। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, लौट कर आइए और अपनी अच्छी सी इफ्तार की टेबल पर बैठिए, अपनों के साथ बैठिए, और अगर आप अपनों से दूर हैं तो हमारे साथ इफ्तार कीजिए, हम लौट कर आएंगे रौनक रमजान में इफ्तार के एन बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। जैसे कि आप हमारे टेबल पे देख सकते हैं, रौनक लग चुकी है, रोज़ा आप खोल चुके हैं, और रोज़ा खोलने से पहले आपने क्या करना है, लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइज़र आपने यूज़ करना है, जो हम भी करने लगे। लाइफ बॉय जो कहते हैं पंप रब छू, जी हाँ, जिसका मतलब है जर्म्स गायब, तो हमने भी जर्म्स करने गायब, तो चले मोहसिन हो जाएं शुरू खाने से पहले। वाह वाह, मोहसिन किसी और दुनिया में गुम है। देखिए, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं देख रहा हूँ चनों को, हाँ रौनक दस्तरखान, क्या कहने क्या कहने, ये संभाला दिया ना आपने मुझे, क्योंकि खाना देखकर मैं माउफ हो चुका था, बिल्कुल गायब, मैं आपको मुझे ना काफिया नजर आ रहा है ना रदीफ नजर आ रहा है, जो आपने संभाला है मुझे, ये एहसान तो खट्टे आलू भी याद रखेंगे, खट्टे आलू भी याद रखेंगे। उफ क्या खिला दिए हो आज,
अच्छा आज आज हम इम्तिहान कर लेते हैं कि ये सामने रखें और हमें पूरा प्रोग्राम ऐसे ही करना है इनको रखें और मुझे छूने नहीं देना है। एग्जैक्टली ये कैसे मुमकिन है भाई। आप सलामत रहिए, आप जीती रहिए, आप इतने अच्छे अच्छे खाने और अफोर्डेबल खाने, क्योंकि हमारे मुल्की हालात जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो रेसिपीज होती हैं फातिमा साहिबा उनको सुनती हैं, ताकि हर घर का दस्तरखान जो है वो सच सके। हम मेरे गरीब घराने का बच्चा जो है, मेरा जो गरीब भाई है उसका बेटा, उसकी बेटी भी ये खा सके और एमी साहिबा भी खा सकें, मैं मिडिल क्लास आदमी भी खा सकूं, ये उमरा भी खा सकें, तो हम सब लुत्फानंदोज हो सकें इस इन सारे जो लज्जतें हैं, जो नेमतें हैं। क्या मुझे सच बोलने की इजाज़त है कि हमें कुछ भी नहीं मिलता? किसे कुछ नहीं मिलता? हमें कुछ भी नहीं। नाशुक्री खातून है ये बिल्कुल खाती हैं, इनको ऑफर किया जाता है, अब अपनी सेहत के लिए पर नहीं खाती तो नहीं खाती। हम क्या कहते हैं, एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, अभी आपने जो बात की खाने के हवाले से, जो शुरफा एक वक्त का खाना ऑर्डर करते हैं बाहर से या बाहर जाके खाते हैं, आजकल तो बाहर जाने का रिवाज कम हो गया है कोविड की वजह से। कोविड की वजह से हुआ, वरना हम बाज नहीं आते। बल्कि मैं आपको यकीन दिलाऊं, यकीनन आप शायद इस बात पे यकीन करें ना करें, कि एक वक्त का खाना जो एक फैमिली खाती है एक लैविश रेस्टोरेंट से मंगा के या जा के, अब यकीन करें एक सफ़ेद पोश फैमिली उनका 15 दिन का राशन आ जाता है उतने पैसे। जबकि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, और मेरी ये रेसिपीज़ बताने का या दिखाने का वजह यही है कि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि हैं तो सफ़ेद पोश लेकिन उन्होंने अपना बरहम भी रखना है, उनके यहाँ दावतें बहुत होती थीं, उन बहुत लोगों का आना जाना होता था, तो वो कहाँ से बड़े बड़े पकवान बड़ी बड़ी वो कर सकते हैं। तो ये रेसिपीज हर एक तबके के लिए, बिल्कुल ठीक, जो बनाएगा उस वो अपने दस्तरखान को सजाएगा। ऐसा ही है सुहेल साहब, चूंकि हमने भी अपनी जवानी में ऐसी बड़ी गलतियां की हैं, हमने नौजवानी में करें जवान तो अभी हम नौजवानी हम बड़े अय्याश तबीयत के हुए, वाकई खाने को लेकर अय्याश तबीयत के वाकई हुए, हमने बहुत बाहर से खाने खाए, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया ये ठहराव जिसका फातिमा साहिबा जिक्र कर रही हैं ये हम में भी आता गया। ऐसे ही हमें घर के खाने की एक तो अफादियत मालूम हुई, और यकीनन इन इन बातों पर अब हम भी सोचते हैं कि जो 3,000 का एक वक्त का खाना है या एक बर्गर जो हम ले रहे हैं 1,500 रुपए का, ड्रिंक जैसे मैंने अभी आपको बताया, ड्रिंक हमने जो जैसे अभी 7 अप के साथ हमने स्ट्रॉबेरीज ली और स्ट्रॉबेरीज की आपने क्वांटिटी देखी उसमें बहुत अच्छी मिकदार में हमारी ड्रिंक बन गई, और 7 अप ऐसी ड्रिंक 3 ग्लास ये बन गए हैं और भी रखा हुआ है। जी बिल्कुल, हम सबके लिए हैं, और 7 अप की भी आपको पता बहुत इकोनॉमिकल ड्रिंक है, हर एक की पहुँच में है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। आप घर में यही ग्लास आप 250 रुपए का बाहर जाके पीजिए। अच्छा, दोनों दो इन चीज़ों के दो पहलू हैं जी, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को अता किया है तो अगर वो उसको यूज़ नहीं करता, यूटिलाइज नहीं करता, तो वो भी कुफ्रान नेमत में आ जाता है। अगर किसी को अल्लाह ताला ने वाफर मकदार में रिस्क अता किया है, माल अता किया है, दौलत अता की है, तो वो अपने पर खर्च करे, अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करे, लैविश खाना खाए, उसका दस्तरखान सजा होना चाहिए। तनकीद कर देते हैं लोग कि यार ये देखो खाना ज़ाया कर रहा है, मगर मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी वजह से शायद सैकड़ों फैमिलीज चल रही हैं, और अगर वो 100 फैमिली को एक एक घर एक अकेला बंदा चला रहा है तो उसको यह हक है कि अपनी फैमिली को भी कहीं बाहर लेके जाके, मगर असराफ जहाँ पे आ जाएगा, असराफ आपने नहीं करना है कि इतना इतना ज़ाया ना करें कि वाकई, हाँ जी इत्तेदाल या इत्तेराफ के वो कि वो जितना इतना रिस्क ज़ाया हो जाए और वो इतना इतना मंगा लें, इतनी प्लेटें भर लें, बुफे में ऐसा ज़्यादा होता है, मैं भी करता हूँ कभी कभी जाके कि यार इतना भर लेता हूँ। इस मुद्दे पर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, इसलिए कि रिस्क की बेअदबी और बेहुरमती जो है इससे पाक परवरदिगार बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। और हमारे यहाँ कुछ मकामात ऐसे होते हैं, मसलन कोई गमी का मौका आ गया, कोई खुशी का मौका आ गया, कोई तकरीब आ गई, जहाँ पर 2-4 लोग अपने घर में तो हम बड़े सलीके से खाते हैं, लेकिन जब 4 अफराद के साथ जमा होते हैं तो इतनी बेअदबी रिस्की होती है, इतनी बेहुरमती होती है, खुसूसन बूफे डिनर्स में, शादियों में ज़्यादा होता है, शादियों में इस कदर ज़ाया किया जाता है, लोग निकालते हुए नहीं सोचते। तो हमें अपने जहनों को तब्दील करना होगा, लोगों को तब्दील करना होगा कि वो कुछ ऐसा करें कि रिस्क बर्बाद ना हो। अच्छा, मैं इसमें कैलकुलेशन आपको बता दूँ कि एक नॉर्मल इंसान जैसे हम लोग हैं, बहुत ज़्यादा फूडी नहीं, जो हम नॉर्मल इत्तेदाल में अगर हम खाते हैं तो हमारे टोटल निवाले बनते हैं 20 से 22। अरे क्या बात जी, ये मैं आपको कैलकुलेटर, आपने निवाले भी गिन लेंगे ना तो मतलब आप तर हो जाते हैं, 1 से 1.5 चपाती आपने खा लिया, 1 प्लेट चावल के साथ आपने ले लिया, कैलोरी काउंट में कहने तो 400 हार्डली 350-400 कैलोरीज एक मील में, मैं आपको बता दूँ हम बुफे में जाते हैं 52 आइटम्स
ठीक है मीठे में ही कोई 18 किस्में नहीं खा सकते आप, नहीं खा सकते लेकिन हम भर लेते हैं, वो सर्व कर रहे होते हैं, हम भरते रहते हैं, का शिकार हो जाते हैं आप, हम के हम ये भी ले लें ये भी ले लें और फिर हम वो खत्म भी नहीं कर सकते। अच्छा उसमें यही है जो पेट भर जाता है, नियत नहीं भरती है। अच्छा कुछ लोग अपना पैसा भी यूटिलाइज कर रहे थे, यार मैंने 3000 बुफे का दिया मैं खाऊं, कहती हूँ की इंसान 50 दफा निकाल ले, बिल्कुल 100 दफा निकाल ले, लेकिन उतना निकाले जितना खा सके। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आएंगे रौनक रमजान में, हमारे साथ रहिए। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, रमज़े बकाए हाशमी या अली, अली अली जानम फिदाए हैदरी या अली, अली अली जानम फिदाए हैदरी या अली, अली अली। मोहसिन में आपसे भी अगर आप ज्वाइन करें मेरे साथ। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, की मंजिल का पहला है जीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, रमज़े बकाए हाशमी या अली, अली अली जानम फिदाए हैदरी या अली, अली अली या अली, अली अली या अली, अली अली। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक रमजान। जी मोहसिन, जिन घरानों और जिन चौकटों की हम बात करते हैं जहां से हम ये सब कुछ ले रहे हैं, उन्होंने मुनाफ़क़त के बारे में हमें क्या दर्स दिया और उनकी ज़िंदगी से हमें क्या दर्स मिलता है, शायद आपकी बात से किसी का भला हो जाए। देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है वो बहुत सादा आसान और वाज़े अल्फाज में वो तालीमात हमारे सामने मौजूद है, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद पूरी ज़िंदगी एक खुली किताब की मानिंद है, एक आईने की मानिंद है, और इसी तरीके से जो उनका पाक घराना है वो भी उसी तरीके पर, जाहिर है जिस घर में नबूवत आई, जिस घर में इमामत आई, जिस घर में शरीयत आई, जिस घर में हिदायत आई, तो उस घराने के मकीनों के अंदाज़ भी हमें कुछ और नज़र आते हैं। मैं एक वाक़े का जिक्र करना चाहूँगी कि जब इमाम अली मकाम मक्तले करबला में आए और चारों जानिब से लश्कर यजीद ने घेर लिया था, तो एक रात की मोहलत इबादत के तौर पर मांगी गई। इस पूरे बात को समझने के लिए अगर हम उस मंज़र को समझने की कोशिश करें कि ये रात करबला में बड़ी मसरूफ़ रात थी, इसलिए कि एक जानब इमाम अली मकाम शह मशक़ैन के खैमों में इबादत थी, तस्बीह थी, तहलील थी, तस्करे थे, और दूसरी जानब लश्कर यजीद में कल की जंग की तैयारियाँ हो रही थी। अच्छा अब जब दोनों तरफ मसरूफियात नज़र आ रही थी, मुझे एक मंज़र याद आता है, नज़र आता है कि हुर के भाई ने देखा कि हुर कभी खैमे के अंदर जाता है, कभी बाहर आता है, कभी जानिब आसमान देखता है, कभी परेशानी एक चेहरे पे तफक्कुर पे नज़र आई,
हुर के भाई ने कहा, कहा कि हुर ये जंग कितनी देर की है, वो 3 दिन के प्यासे भी हैं, उसमें 6 महीने का बच्चा भी है, उसमें हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे कबीर सिन अफराद भी मौजूद हैं। हुर ने कहा कि आओ मैं तुम्हें ले चलूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ सुनवाना चाहता हूँ। हुर अपने भाई को लेकर फरात के किनारे पहुँचे, हवा के दोष पर जो आवाज़ें आती सुनाई दी, हुर ने अपने भाई से कहा कि ज़रा कान लगा के सुनो क्या सुनाई देता है। प्यासे बच्चों की सदाए अल अतश आ रही थी। हुर ने कहा कुछ याद आया, कल हुसैन ने हमें भी सैराब किया था, हमारे बच्चों को भी सैराब किया था, हमारे जानवरों को भी सैराब किया था, और आज हुसैन के खैमे के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। बस ये टर्निंग पॉइंट था। देखिए मुनाफिक बहुत थे लश्कर यजीद में, मगर लौट कर वहाँ से कितने लोग आए, हुर आया, उसका भाई आया, उसका बेटा आया, उसका गुलाम आया, और बाकी सब मुनाफिक उधर, सब उधर रह गए, एक पूरा लश्कर उधर रह गया, और ये चंद अफराद थे जो इमाम अली मकाम की जानिब आ गए, और इमाम अली मकाम ने आगे बढ़कर गले से भी लगा लिया। हुर को इनाम ये मिला कि हुर की इमाम अली मकाम की वालिदा का रुमाल हुर को इनाम में मिल गया। तो दर हकीकत जो मुनाफिकत से पीछा छोड़ा लेता है, जो जिसका बातिन और जाहिर एक जैसा हो जाता है, जिसकी जबान पे वो आ जाता है जो कि वो वाकई देख रहा होता है, उसे फिर मौला अलैहि सलाम कर देते हैं। बेशक देखिए फैसले में देर की तो फासला हो जाएगा, क्या बात, हुर नहीं बनता अगर तो हुरमुला हो जाएगा, क्या बात। हुर के पास मराआत की कमी नहीं थी, वो कमांडर इन चीफ था लश्कर यजीद का, उसके पास बहुत ओहदे थे, बड़ी ताकत थी, कुव्वत थी, सब कुछ थी, सामने प्यास थी, मौत थी, और सब कुछ मुश्किलात नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद हुर्रियत की एक मिसाल बन गया, बेशक एक ऐसी मिसाल बन गया कि तारीख आलम उसके ऊपर शिशदर रह गई। रश करते हैं, बेशक रश करते हैं लोग, बेशक लौट कर आएंगे रौनक रमजान में, हमारे साथ रहिएगा। सुनहरी अखबार रमजान 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 रौनक रमजान। अच्छा सुनहरी अखबार में मैं आपके गोशे गुजार जो करने जा रहा हूं वो मेरी नहीं है, वो सुहेल की नहीं है, वो आपा की नहीं है, फातिमा एमी की नहीं है, वो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नहीं, वो आज मौला अली की भी नहीं, वो है आज अली के अल्लाह की। वो क्या है? सूरह तौबा में इरशाद बारी ताला है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुनाफिकीन के लिए 70 मरतबा भी तौबा करें तो भी मैं इनको माफ नहीं करूंगा। नबी करीम, हमारे पास आखिरी आखिरी सिफारिश क्या है? बिल्कुल आखिरी मान क्या है हमारा? बिल्कुल आखिरी मान हमारा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम गुनाह करके भी सोचते हैं कि नबी संभाल लेंगे, वो शिफात कर देंगे, उनके सजदे काम आ जाएंगे, उनका रोना काम आ जाएगा, उनका रातों को कयाम काम आ जाएगा, उनका महबूब खुदा होना काम आ जाएगा, उनका रहमतुल आलमीन होना काम आ जाएगा। मगर खुदा ने रहमतुल आलमीन से भी ये कह दिया कि इनके लिए मुनाफिकीन को मुखातिब करके कि मुनाफिकीन के लिए 70 मरतबा भी तौबा कर लीजिए मैं नहीं कबूल करूंगा, इनको माफ नहीं करूंगा। अल्लाह हू अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में अपने रहमतुल्लिल आलमीन के रुतबे से मजबूर होकर जब ये कहा कि बात ये नहीं है कि 70 मरतबा के अदद पर मुनहसर है ये आयत, मसला यह है कि अगर मेरे पास 70 मरतबा से ज्यादा बार भी इनके लिए माफी मांगने की गुंजाइश होती तो भी इनकी माफी नहीं होती। तो ये गुना सोचिए कितना बड़ा है कि अल्लाह ने इनके लिए जहन्नुम का आखिरी दर्जा चुना, जहन्नुम के भी सबसे आखिरी गढ़े में होंगे मुनाफिकीन। और मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं हमारी बात कर रहा हूं, हम सब की बात कर रहा हूं। गौर कीजिए, मुहासबा कीजिए, रात को सोने से पहले सोचिए, वाबे सौ में गजन नवाए तुम इन चाहे रमजान पढ़ने से पहले सोचिए कि जिसका रोजा रखने जा रहे हैं उसके लिए उसको जाकर मुंह क्या दिखाना है हमने। तो गोया हम हमारी बात करें तो सुनहरे अकबाल में आज सूरह तौबा की ये आयत आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप और मैं हम सब मिलकर उस जो आखिरी गढ़ा है ना उससे बच जाए।
जहन्नुम के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फख्र बन जाए। इस पे आप क्या कहना चाहिए? इसके तसलसल में मैं मौला अली का कॉल शेयर करूँगा, आप अगर मैं गलत हूँ तो तस्दीक कीजिएगा कि काफिर मरने से बेहतर है कि मुनाफिक मरने से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ। हाँ, अब अगर मैं मौला अली का कॉल है तो बस यही बात है कि अब ये सोचें कि काफिर हो जाना मुनाफिक हो जाने से बेहतर बेहतर, इसकी तफसील हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि हमारा मैं जितना भी तकरीर करूंगा ये कहेंगे कि अदाकार है, फसली बटेरा है, रमजान आ गए, इसको इस्लाम याद आ गया। मैं नहीं सिखा रहा, मैं मेजबान हूं, मैं एक तालिबे इल्म हूं, गुनहगार सा आदमी हूं, मैं इनसे सीखना आप बैठा हूं। आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस्लाम की तारीख में अजब मजाक है, इस्लाम की तकदीर के साथ खत शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ हमें पहले दिन से लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी में भी, मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगानी में भी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगानी में भी, खुद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगानी में भी, अगर ये मुनाफिकीन न होते तो इस्लाम में इस कदर मुश्किलात ना होती। और हमें आपस की मुश्किलात को दूर करने के लिए, इस्लाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए इस वक्त एक होना पड़ेगा और नेक होना पड़ेगा। हमें ना मेरी मर्जी चलेगी, ना आपकी मर्जी चलेगी, ना आपकी मर्जी चलेगी, मर्जी अल्लाह की चलेगी। और जो परवरदिगार आलम ने कह दिया सरे तस्लीम खम करना है, इसमें क्या क्यों कैसे की कोई गुंजाइश नहीं है कि जेर शमशीर से तमीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया ना गया। अगर एक मरतबा हमने अल्लाह की मान ली तो फिर उसके बाद सारे दुनिया के फेरे चक्कर इधर उधर रह जाएंगे और वो रब्बुल आलमीन हमारे साथ हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत। चूंकि आप एक माँ हैं जी, मैं चाहूंगा कि आप उन माओं को रिप्रेजेंट कीजिए और बताइए कि आप अपने बच्चों की तरबियत में मुनाफिकत को किस तरह माइनस कर सकते हैं। देखिए, बहुत आसान है, बात वही है कि सबसे पहले अपना मुहाजबा किया जाए, अच्छाई हो या बुराई हो वो घर से शुरू होती है और फिर हम उसे आदत बना लेते हैं, वो हमारी ज़रूरत बन जाती है और फिर हम उसे इतना मतलब अवामी कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम कितनी बुराइयाँ कर रहे हैं। सबसे पहले खुद को जज करें, बजाय इसके कि हम दूसरों को जज करें, हम खुद को जज करें। हमारा पसंदीदा मशगला है, हम जहाँ बैठते हैं वहाँ शुरू हो जाते, तो सबसे पहले खुद को जज करें। और दूसरी चीज़ ये कि दूसरों को हकीर ना समझें, ये भी मुनाफिकत की एक शक्ल है कि जी हम हमारे पास तो गाड़ी है, हमारे पास तो ये है, उसके पास क्या है। हर इंसान, हर जी रूह, इवन के जो जानवर हैं, परिंदे हैं, वो भी जवाब, मतलब हम उनके भी जवाब दे हैं, हम जब अपने रब के पास जाएंगे तो हमें जवाब देना है। तो बच्चों की तरबियत का बेहतरीन तरीका यही है कि ये छोटी छोटी चीज़ें, झूठ नहीं बोलना, मुनाफिकत से बचने के लिए हमें अमल करके दिखाना पड़ेगा उन्हें। जब हम खुद अपने आप को जज करेंगे, इन चीज़ों से दूर रहेंगे, तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली हमारी तरफ रागिब भी होंगे, बॉन्डिंग भी होगी, सीखेंगे भी और आगे वो सिखाएंगे भी। हम तो अक्सर ऐसा होता है कि अपने बच्चों से सीख रहे होते हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, आप भी इस बात की गवाही देंगे, आपको भी पता है हर घर में बच्चे होते हैं कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनमें मुनाफिकत जैसी चीज नहीं है, झूठ उन्हें नहीं पता होता क्या होता है, हम उन्हें सिखाते हैं। बिल्कुल, हम कि डोर बेल बजिए बेटा, जी जी जी, फोन आया है बेटा, मना कर दो, हम सिखा रहे होते हैं, बच्चे भी यूज्ड हो जाते हैं। तो हमें उन्हें इन चीजों से रोकना है, और सिर्फ ये नहीं कि मुंह जबानी करके दिखाना है, करेंगे तो वो भी वैसे बच्चे जो आप करते हैं उसको फॉलो करते हैं। देखिए, जो बोते हैं वो काटना पड़ता है, ये हमारा बोना है। गुफ्तगू जिस नहज पर आन पहुंची है यहीं से आगे बढ़ाएंगे, मगर एक वक्त के बाद रौनक रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम, और यहाँ पे मोहसिन मेरे साथ। अरे आप बात कीजिए, देखिए मैं एक सुघड़ आदमी हूँ, मैं एक नफीस आदमी हूँ, मुझे चाहिए अपने इर्द गिर्द बिल्कुल सफाई, मुझे चाहिए जर्म से पाक जिंदगी, और उसके लिए मैंने सहारा लिया है डिटॉल ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का। यानी आप चाहते हैं कोई जर्म्स ना हो भाई? देखिए मेरा तो यही मानना है, क्योंकि ये हर सरफेस को क्लीन कर देगा, जर्म से पाक कर देगा, इसलिए हम सबको महफूज रहना है, हमें अपने हमसायों से सीखना है, हमें अपने इर्द गिर्द दुनिया से सीखना है, हमें अपना ख्याल रखना है, हमें इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी है और अपने इर्द गिर्द अपने बड़ों बच्चों सबको महफूज रखना है। अब हम बढ़ते हैं, आओ वादा करेंगे जाने। रमजान 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 रौनक रमजान, आओ वादा करें। मैं आज मैं आपको एक बड़ा अजीब सा एक किस्सा सुनाता हूं, उसके अच्छा मैंने आज से पहले उस किस्से का कभी जिक्र इसलिए नहीं किया कि मेरे पास गवाह मौजूद नहीं, आज मेरे पास गवाह मौजूद।
वो किस्सा सुनाने का मकसद ये भी नहीं है कि मैं शेखी बिगाड़ रहा हूँ या मैं कोई दिखावा कर रहा हूँ। उसका मकसद ये है कि हम सब जानते हैं, अभी जानवरों का जिक्र हुआ, गुज़श्ता रोज़ भी जानवरों का तस्करा हुआ हमारे पास, कि उनके हकूक हैं। हमने कल जो वादा लिया था, हमने यही वादा लिया था कि उनके खाने का, उनके पीने का एक बर्तन रख दें और उनका ख्याल रखा जाए। हम सब जानते हैं कि हम जिंदगी में कहाँ गलत होते हैं, कहाँ सही होते हैं। जैसे हमने उसने जिक्र किया कि चाइनीज कोर्ट है कि हमारे तीन चेहरे होते हैं, कि एक हम जो लोगों को दिखाते हैं, एक जो हम अपने घर वालों को दिखाते हैं, वो चेहरा होता है जो हम आईने में अपने आप को देखते हैं जाकर, वो हमारी हकीकत है। जैसे मौला अली अलैहि सलाम ने फरमाया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि पाक अच्छा इंसान वो है जिसकी तन्हाई पाक है। तो वो जो तन्हाई में हम अपना चेहरा देखते हैं ना, वो हमारा असल है। तो अब मुख्तसर करते हैं अगर इस बात को, तो एक बार मैं कराची में अबायल अय्याम में रहता था और मैं सुल्तानाबाद के इलाके में रहता था, और वहाँ पर तंगो तारीख गलियाँ थी छोटी छोटी, मेरे तमाम पठान भाई वहाँ पर रहा करते थे, और बहुत मुझे खूबसूरत एक बगदाद की गलियों का सा माहौल लगता था, वो फिर रहे हैं और बड़ा बड़ा मज़ेदार। मैं थोड़ा अफसानवी सा आदमी, तो मुझे तो मैं रात को लेट रेडियो से आया करता था अपनी नौकरी से, तो जब गाड़ी ने मुझे छोड़ा वहाँ पर, तो मैं अंदर गलियों में जा रहा था, तारीक गलियाँ, और मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। मेरे घर का जो दरवाज़ा था वो 3-4 स्टेप चढ़कर था, और मेरे घर के बिल्कुल सामने चंद कुत्तों ने घेरा बनाया हुआ था और वो वहाँ पर खड़े थे और वो भौंके चले जा रहे हैं। अब मैंने फौरन से एक पत्थर उठा लिया ताकि कहीं ये आवारा कुत्ते मुझे काट ना लें, और मैं अकेला आदमी हूँ उस वक्त, तो डर सहम सा गया। मैंने पत्थर उठाया और जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने उनको थोड़ा आवाज़ से और अपने अंदाज से डराने की कोशिश की, तो वो थोड़ा 2 कदम पीछे हो गए। अब जब पीछे हुए तो मैंने देखा वहाँ पर छोटा सा एक बिल्ली का बच्चा था, जख्मी हालत में, उसकी आंख जख्मी कर चुके थे वो, और उसको करीब थे कि वो उसकी जान ले लेते, उसको अपना लुकमा बना लेते। अब कुत्ते जाने का नाम ना लें, वो भूखे थे और वो बिल्कुल इस वक्त भिपरे हुए थे। मैंने पत्थर पत्थर से उनके करीब फेंका ताकि वो थोड़ा दूर हो जाए। अब वो जा नहीं रहे, बिल्ली का बच्चा सामने रखा है और मैं अपने घर की थड़ी पे बैठ गया। अब हम तीनों हैं इस वक्त, चंद कुत्ते, 3-4, बिल्ली का बच्चा और मैं। अच्छा, अब मैंने पहली बार में ही बिल्ली के बच्चे को क्यों नहीं उठा लिया, उसकी गवाही अब मैं सुहेल से इसलिए दिलवाने लगा हूं क्योंकि ये जानते हैं कि मुझे बिल्लियों से थोड़ा उस तरह की उनसियत नहीं है, मैं थोड़ा सा उनसे झिझक है मुझे उनसे, तो मेरी उनके साथ वो बाउंडिंग नहीं है, बिल्लियों को भी मैं पसंद नहीं हूं वैसे। तो अब मैं देखे जाऊं और मैं हिम्मत इकट्ठी कर रहा हूं कि क्या मैं इस बिल्ली के बच्चे को उठाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। और वो कुत्ते जा नहीं रहे वहां से, वो घूम कर आए पीछे से फिर आ जाए वापस उसके पास, क्योंकि उनको नजर आ रहा था। अब मैंने हिम्मत की कि मैंने उस बिल्ली के बच्चे को हाथ लगाया यूं यूं करके और मैंने उसको उठा लिया, और अब वो कुत्ते मेरा मुंह देख रहे हैं, और खैर मैंने अंदर उसको ले आया अपने घर। मुख्तसर ये कि मैंने फिर उसको जो भी मेरे पास बन पड़ता था, एक दूध का पाव का डिब्बा होता था, तब इतने वसाइल नहीं थे मेरे पास, तो वो एक दूध का पाव का डिब्बा मैंने रखा होता था रात को पीने के लिए, और वो मेरा आखिरी मील होता था पूरे दिन का, तो वो मैंने उसके साथ शेयर किया, थोड़ा सा उसको दिया, थोड़ा सा खुद उसके जख्म साफ किए, और एक डिब्बे में जैसे बचपन में हम वो चूजे नहीं रखते थे, रंगीन चूजे रखते थे, मैंने वो डिब्बा बनाया उसका सुराख करके, क्योंकि मैं कराची में हिजरतें बहुत करता था तो मेरे पास वो डिब्बे होते थे, मैंने उसमें सुराख किए, एक अपनी चादर जो थी वो रखी और उसके अंदर उसको रखा और प्याली में उसको दूध दे दिया। अब जब मैं सुबह उठा तो वो भाई थोड़े से हिलजुल में आए, अब मैंने उसको दोबारा सुबह थोड़ा सा दूध जो था वो उसको दिया और पानी, और मैं फिर निकल गया अपने कामों पे। मैं लौट कर आया तो गोया वो मेरा 3-4 रोज मेहमान रहा, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब घर आया तो मेरा रिमोट खा चुका था, मेरे बिस्तर पे चढ़ दौड़ा था, यानी वो सेहत याब हो चुका, मुझे बड़ी खुशी, पूरे घर में उसने चक्कर लगाया। फिर मैंने उसको उठाकर बाहर जब छोड़ा कि वो सेहत याब है, मैंने गली के बच्चों को भी पूछा इसका ख्याल रखोगे, जी जी हम रखेंगे बिल्कुल, तो वो फिर मैंने उसको जाते हुए देखा, और मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि कभी उसकी मेरी मुलाकात हुई तो शायद मैं उसे पहचान ना पाऊँ, वो मुझे पहचान ले। इस बात को बताने का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हमारे साथ क्यों हो रहा है। जैसे मैंने उस दिन अपना एक कन्फेशन किया कि अगर मेरे दिमाग में तकब्बुर का ते भी आया था तो अल्लाह पाक ने यहां से मेरी पकड़ करके मुझे गिरा दिया। इसी तरह मैं ये भी जानता हूं कि जो मुझे सब कुछ मिला वो माँ की दुआओं, मेरे अल्लाह की और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दर्द से, उनकी आल के दर्द से जो मुझे मिला सो मिला। उसमें अल्लाह ने अगर मुझे ये तौफीक दी ऐसे किसी अमल की, तो ये एक ऐसा किस्सा है जिसको मैं हमेशा याद करके कहता हूँ कि ये मुझसे करवाया ही इसलिए गया था क्योंकि मुझे ये सब देना था। आपसे ये शेयर करने का मकसद, आपका इतना वक्त लेने का मकसद सिर्फ ये है कि जिंदगी में अच्छे अमल करते रहिए, आप नहीं जानते कि वो कारमा घूम के कहां से आपके पास आएगा। और बिल्कुल मोहसिन, और बिल्कुल आपकी बात को मैं ऊन करूंगी,
ज़रूरी नहीं आपके सामने एक बहुत मालदार चीज़ हो, या ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सी हस्ती खड़ी हो, आपने ये सोच के मदद नहीं करनी है कि हमें ये देने वाली ज़ात की हमारे इख्तियार में सिर्फ कोशिश है, देने वाली ज़ात उसकी है, चाहे वो बेज़बान हो, चाहे वो ज़बान वाला हो, चाहे वो माल वाला हो, चाहे उसकी कोई हैसियत ना हो। आपने सिर्फ यहाँ पर दुनिया में और हम और आप इसलिए कि हम कुछ कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। दुआ खैर की दरख्वास्त है ताकि हमारे लिए खैर हो और सलामती हो सबके। बिल्कुल। ए खासा ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ए पाक परवरदिगार, इस वक्त पूरी दुनिया इस आलमी वबा, इस करोना वायरस में गिरफ्तार है। ए मेरे मालिक, तमाम आलम इंसानियत को, बिलखसूस तमाम मुसलमानों को इस आलमी वबा से महफूज फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो जो मुल्क इस ममालिक इन मुश्किलात का शिकार हैं, या रब्बुल आलमीन तो उनको इतने वसाइल अता फरमा कि वो अपनी इस मुश्किल घड़ी से निकल सकें। या रब्बुल आलमीन, तुझे वास्ता है अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। जितने अफराद वेंटिलेटर पर हैं उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमा। जितने बेजुर्म मसीर हैं उनको रिहाई की खबर इनायत फरमा दे। जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दें। जो जिनके पास ज़र नहीं है उनको ज़र अता फरमा। जिनके पास घर नहीं है उनको घर अता फरमा। इस इस्लामी जमहूरिया ममलिकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इस मुल्क को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की इनायत फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हमारे लिए हज और ज़ियारात मुहैया फरमा दे। हमारी आँखों को रोशन कर दे, ठंडा कर दे मक्का और मदीना की ज़ियारत से। या रब्बुल आलमीन, जो जो अफराद हमारे साथ इस वक्त इस दुआ में शामिल हैं उन सब की तमाम तर दुआओं को कबूल मकबूल फरमा ले। और बिलखसूस जिन लोगों ने हमसे दुआओं की दरख्वास्त की है, हमारी ज़बान की ख़ताओं को दरगुजर फरमाते हुए उन तमाम अफराद की, उन बहनों की, भाइयों की दुआओं को कबूल मकबूल फरमा। आमीन। प्रोग्राम रौनक रमज़ान का वक्त अपने अख्ताम की जानब बढ़ चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छे अच्छे से रोज़े रखिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और आपने एक बार फिर से हमें मुस्तफ़ीद किया। फातिमा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस गुड फूड। सुहेल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई और आपका हमने सफ़र जो है किसी हद तक सुना। उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग इससे मुतासर होंगे और सही राह सिराते मुस्तकीम की तरफ जाने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। एमी, आपका बहुत शुक्रिया, मेरी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, नाज़रीन हाज़रीन और सामईन का बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए, हमारी ये छोटी सी काविश है। उम्मीद करते हैं कि जहां हमारे बहुत से बहन भाई दूसरे चैनल्स पर बैठकर भी ये काविश कर रहे हैं कि आप तक कुछ अच्छी बातें पहुँचा सकें, हम भी उसमें एक अपना हिस्सा डालते चलें। अपना ख्याल रखिए, रोज़े रखिए, बरकतें समेटिए, नेकियाँ समेटिए। मोहसिन अब्बास हैदर को इजाज़त दीजिए और मेरे साथ बिल्कुल एमी को भी इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, बशर्ते जिंदगी कल फिर मिलेंगे। बहुत ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।